हेलो सना, और ये गाइस देखिए चार मार करने लगता है सब। है बच्चों हेलो, दिवाली 31 को है या 1 को गाइस नहीं पता, कंफर्म नहीं है अभी भी नहीं, मतलब आज भी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ किसी एक से जब मैं बात कर रहा था तब। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ऐसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो आज मंडे का गुड मॉर्निंग हो गया गाइस, मैं नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और वहाँ देखिए किट्टू बेबी भी तैयार हो रही है जाने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं डेली लाइफ में क्या क्या कैप्चर होता है, जो भी कैप्चर करेंगे सब शेयर करेंगे ब्लॉग पे, बने रहिए। वो छलावा बेवफा नहीं आने वाली। गाइस निकल चुके हैं डेस्टिनेशन पे, सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए मौसम कुछ ऐसा है, लोग बाग कभी तक घर गए नहीं, खाली नहीं लग रहा है रोड, पता नहीं कब जाएंगे। दिवाली की छुट्टी में तो इनको जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। गाइस अपने दोस्त को जरा खुराक दिलवा देते हैं ताकि मेरा साथ दे सके, बहुत साथ देता है। चलिए चलते हैं। गल मेरी मर जा, तू मेरी बढ़ जा, तू although they are less but it was fun, है ना गाइस, मजा आया होगा, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। ओ छलावा बेवफा नहीं आने वाली। आ गए गाइस अपने ही जगह पे, अभी पीछे एक छोटा सा लोचा हो गया था, हल्का सा एक बाइक वाले में सट गया तो चढ़ने लगा था, उतार दिए हम। अब रास्ते में चलोगे तो भाई थोड़ा बहुत तो सटना सटाना तो होगा ही ना, कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। और देखो मेरा ये रोड है इतना खाली है, हालांकि मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मेरे पिताजी का नहीं है, बट मैं इसको अपना मानता हूँ क्योंकि मुझे ये खाली मिलता है, सटा सट गाड़ी निकल रहा है यहाँ, ऑटो वाले भी चौड़े होके चलते हैं इस रोड में। हल्का सा सटा था, गाड़ी रोक के वहां बहुत क्राउड हो गया था, चढ़ने लगा, हम कह रहे भैया मत चढ़ो 2 मिनट में उतार देंगे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ठीक है थोड़ा बहुत तो चलते रहते, देखिए यहाँ सनलाइट जो आ रहा है फेस पे मस्त वाला। चलिए चलते हैं, क्या ही बकवास करें इन सबके बारे में, ये सब तो रोज का काम है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे यह रात है, ठंड का मौसम आ गया है गाइस। गाइज इट्स 8:53 एंड आई एम अबाउट टू रीच एट माई डेस्टिनेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रैफिक नहीं मिला है, बट हाँ मैं टाइम से निकला था तो टाइम से पहुँच गया गाइस, दैट इज द मेन रीजन। अभी लोग बाग गए नहीं है, वो अभी जाएंगे। ओ बेवफा छलावा नहीं आने वाली। अब मैं आपसे मिलूंगा इन द इवनिंग 6 बजे के बाद, वंस आई लेफ्ट फॉर घर के लिए। चलिए चलते हैं गाइज। हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और यहीं पे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स कि हाँ ट्रैफिक बहुत यूज मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिवाली गाइज। लोग बाग खरीदारी करने के लिए घर से निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो अभी 6:31 हो रहे हैं गाइज, देखते हैं कितने बजे घर पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं। 6:48 हो गया गाइज और हम फंसे हुए हैं जाम में, ट्रैफिक बहुत कड़ा है, ब्रिज के पास आके अटक गए गाइस। सेम ब्रिज, कलरफुल ब्रिज, वो तो अपना कलर बदल रहा है, देख रहे हैं बदल रहा है। ए, वो छलावा नहीं आने वाली, देख रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ पे अटके पड़े हैं, पुल के अंदर भी लाइट लगा हुआ है, ये भी लाइट बदलते रहेगा, देखिएगा कभी कुछ कभी कुछ, देख रहे हैं कैसे बदल रहा है। मौका मिला तो देखिए, मौका मिल गया दिखाने का गाइस। गाइस आई एम बैक एट होम एंड ये देख लीजिए कितना बज रहा है, 8:00।
8 बजे पहुँचे गाइस, 2 घंटा लग गया। नॉर्मली भी लगता था, लेकिन हाँ मैंने सोचा पर त्यौहार का समय है, पर त्यौहार का समय है तो थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा ही, वो वाजिब था गाइस। तो घर पहुँच गए हैं, परंपरा निभा के फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। हेलो सना, हेलो सना। और ये गाइस देखिए, चारों तरफ अब लड़ी लग गई है, चारों तरफ। ये देखिए गाइस, गली गली सब चमक रहे हैं, गली गली में फिरता। और सना वो छलावा नहीं आने वाली, सब जगह देख रहे हैं। और मार करने लगता है सब। है बच्चों, हेलो, बंसुआ बोला नहीं, सब इकट्ठे बोल रहा होगा ना। हैप्पी दिवाली तो बोल दो। खाने में क्या बना है? वाओ, दिस इज माय फेवरेट आलू बैंगन, वेरी नाइस। मैगी है, वेरी नाइस। तो गाइस वापस से मैं अपने जगह पे बैठ गया हूँ, और यहीं पे एक्चुअली आपसे बात मैं कर पाता हूँ, कनेक्ट मैं कर पाता हूँ। ये मुझे लगता है कि शांति में बात करता हूँ। बच्चे उधर उथल पुथल करते हैं, सारे बच्चे जब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है। बट मैं ये सोच रहा था गाइज, और ये बात कर रहा था, ब्यूटी भी मेरे साथ में थी, कि इस बार जो फेस्टिवल है, वर्किंग डेज भी वैसे ही है गाइज। छठ तो चलिए मान लीजिए थर्सडे है, आई डोंट नो या फ्राइडे है, अभी भी लोग कन्फ्यूज ही हैं कि हाँ 31 को है दिवाली, सॉरी छठ में बोल रहा हूँ, दिवाली 31 को है या 1 को गाइज नहीं पता, कन्फर्म नहीं, अभी भी नहीं। मतलब आज भी मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ किसी एक से जब मैं बात कर रहा था। और छठ तो पता ही है, मतलब छठ 5 तारीख को नहाए खाए है, 6 तारीख को खरना है, 7 तारीख को सांझ वाला अर्घ है, और 8 तारीख को सुबह वाला अर्घ है गाइस। और ये सब पड़ा है वर्किंग डेज में गाइस। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं चीज़ें मैनेज कैसे करूँगा। छुट्टी तो मैं ले लूँ, इट्स ओके, बट ज़्यादा लंबा छुट्टी लेना भी मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज मेरे को काम भी देखना है एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करता हूँ गाइस। आई डोंट नो, आई मीन हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल एट माई डेस्टिनेशन। मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वाला काम करता हूँ, काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका काम भी देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा होता है। एक एक दिन अगर छुट्टी लेता हूँ ना गाइस, तो काम पाइलअप हो जाता है और वापस से मेरे ऊपर ही आ जाता है। सर में तेल लगा हुआ है, जुकाम और खांसी अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, इसलिए ड्यूटी नहीं लगा दिया गाइस। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आई डोंट नो, बट ठीक है जैसा है। तो गाइस मस्त मेरा खाना पीना हो गया है, और आज हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ दिवाली 31 को है या 1 को है। पूरा हिंदुस्तानी कंफ्यूज हो रहा हो गाइस, आई डोंट नो, दिवाली 31 को हो 1 को हो, जब दिवाली पूरा इंडिया मनाएगा तो हम लोग भी तभी मनाएंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि हाँ दिवाली और छठ वर्किंग डेज में ही पड़ रहा है गाइस। हालांकि हमारा जो डेस्टिनेशन पे छुट्टी है वो कमिंग थर्सडे का है, यानी 31st का है, फर्स्ट का छुट्टी नहीं है। देखते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं गाइस। उसके बाद आपका गोवर्धन पूजा है, चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है, छठ की तैयारी शुरू हो जाएगी, काफ़ी सारा चीज़ें गाइस करने के लिए। तो ब्यूटी जी यहीं पे हैं गाइस, तो उन्हीं के साथ चर्चा हो रही थी कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टिल वी आर कन्फ्यूज, लेकिन देखते हैं जब इंडिया पूरा सेलिब्रेट करेगा दिवाली उसी दिन मनाएंगे हम लोग। तो विद दिस नोट गाइस, खाना पीना तो हो ही गया, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद है, पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेट्स से टेक केयर, बाय।